संन्यास धर्म बताया। पिता ने संन्यास ग्रहण किया, अब माता ने सोचा कि अब मेरा क्या धर्म है। माता ने अपने पुत्र कपिल देव जी की शरणागति स्वीकारी और विनती की उनके रूप को जानकर, हे प्रभु आप मुझे ये बताइए कि मेरा क्या धर्म है। शाश्वत आनंद कहां से मिलता है? कपिल जी कहते हैं, माता आनंद किसी भी जड़ पदार्थ में नहीं है। आनंद का अनुभव करने के लिए किसी संत का आश्रय, साधु का आश्रय लें तो आनंद का अनुभव होगा। माता ने कहा, प्रभु मुझे ये बताइए संत किसे कहते हैं, साधु के लक्षण क्या हैं? कपिल जी ने बताया, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः सारवः साधुभूषणः। साधु का पहला लक्षण है तितिक्षा, सहन करे। प्रतिकार का सामर्थ्य होते हुए भी जो सहन करे वो है तितिक्षा। ये सहनशीलता, ये वीरता चाहिए। सहनशीलता, सहन करना कोई कमजोरी नहीं है। तो प्रतिकार का सामर्थ्य होते हुए भी जो सहन करे वह तितिक्षा, तो ये साधु का भूषण है। कारुणिकः सर्वदेहिनां, जिसकी आंखों में करुणा हो, समदृष्टि हो। साधु के 16 लक्षण बताए, संक्षिप्त में समझें तो जो सहाय करे, जो साधना करे और जो सहन करे उसे साधु कहा जाता है। कि वह संत के संग से निर्मल भक्ति हृदय में आती है और भक्ति से जीवन में सुख आता है। माता ने कहा, भक्ति क्या है, भक्ति के लक्षण बताइए। और फिर कपिल जी ने 2 प्रकार की भक्तियों का निरूपण किया, एक सगुणा भक्ति और एक निर्गुणा भक्ति, और बताया कि निर्गुणा भक्ति के द्वारा ही, निष्काम प्रेम के द्वारा ही जीवन में सुख का अनुभव होता है। तो भक्ति के द्वारा, भागवत नाम लेने से जीवन में सुख का अनुभव होता है। जो सुख हो ते गोपाल ही गाये, जो सुख हो ते गोपाल ही गाये। भगवत नाम लेने से ही सुख का अनुभव होता है। भगवत नाम का स्मरण करने से होता है वह सुख, ना जप तप कोटि तीर्थ भ्रमण करने से भी वह सुख नहीं मिलता। दिए लेत नहीं जारी पदारथ, दिए लेत नहीं जारी पदारथ, चरण कमल चितला आए।
भगवत भजन से भक्ति के द्वारा जो सुख और शांति का अनुभव होगा वो अन्य किसी भी साधन से नहीं होगा। भक्ति की महत्वता बताएं तो जीवन में सुख और शांति का अनुभव करने के लिए प्रियजनों जितना हो सके भगवत नाम का आग्रह रखो। ये भागवत का बड़ा महत्व का प्रकरण जिसे कपिल गीता कहा जाता है। अंत में इसकी फलश्रुति बताई, मां कपिल भगवान से उपदेश ग्रहण कर मुक्त हुई और जिस स्थान पे मां को सिद्धि मिली वह सिद्धपुर मातृगया कहलाए। और फिर मां मुक्त हुई, फिर कपिल भगवान निकले कलकत्ता के समीप जहां संगम तीर्थ है, वहाँ पे आकर भगवान ने बुद्धिपूर्वक स्वाग सागर ने उनका स्वागत किया। आज भी हम गंगा संगम वहाँ पे जाते हैं तो कपिल मुनि के दर्शन वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे मंदिर विराज है। तो इस प्रकार से कपिल गीता इसकी फलश्रुति बताई कि भाई जो वक्ता और श्रोता यह कपिल आख्यान का श्रवण करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ यहीं पे तृतीय स्कंद को हम विराम दें और यह तृतीय पुष्प श्री जी के चरणों में समर्पित कर आइए चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करें। चतुर्थ स्कंद विसर्ग लीला। विसर्ग का मतलब विविध प्रकार की सृष्टि ऐसा नहीं है, पर विशिष्ट प्रकार की सृष्टि का सर्जन भगवान ने किया। चतुर्थ स्कंद के चार प्रकरण बताए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म प्रकरण में दक्ष यज्ञ की कथा आई, मनु सत्रुपा उनकी एक तो जो देवहूति जी उनका तो कर्दम ऋषि के साथ विवाह हुआ, आकृति का विवाह शिरुचि नाम के मुनि के साथ हुआ और वही मनु के वंश में जो प्रसूति उनका विवाह दक्ष के साथ हुआ। प्रसूति और दक्ष से 16 कन्याओं का जन्म हुआ, उन 16 कन्याओं में से 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ हुआ और उन 13 कन्याओं से एक एक पुत्र का जन्म हुआ। बड़ा सुंदर ये धर्म का परिवार का वर्णन यहाँ पे करने में आया, पर समय का अभाव है तो हम विस्तार नहीं कर पाएंगे। 14वीं कन्या स्वाहा का विवाह अग्नि के साथ हुआ, इसलिए अग्नि होम करते हुए स्वाहा, वह अग्निदेव की पत्नी है। 15वीं कन्या स्वधा का विवाह पितरु के साथ हुआ, इसलिए तर्पण आदि करते समय स्वधा ऐसा उच्चारण करने में आता है। और सबसे छोटी सती का विवाह शिव जी के साथ हुआ। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से प्रश्न किया कि शिव जी तो आत्माराम हैं, आत्माराम होते हुए भी दक्ष के साथ उनका वैर क्यों हुआ?
दक्ष के साथ वैर क्यों बांधा? मित्र ऋषि ने कथा का विस्तार करते हुए कहा, दक्ष को जब प्रजापतियों का प्रमुख बनाने में आया, वो प्रमुख बनते ही अभिमान आया। सत्ता का अभिमान होता है, संपत्ति का अभिमान होता है, संतति का अभिमान होता है, कई प्रकार के अभिमान हैं। तो जैसे ही प्रमुख बने अभिमान आया, एक दिन की बात सभा भरी हुई थी, वहां पर ये दक्ष पधारे, उनको देखकर पूरी सभा खड़ी हो गई, लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी उस सभा में खड़े न हुए। दक्ष ने सोचा कि ब्रह्मा जी तो पिता हैं, खड़े न हुए, बात समझ में आती है, लेकिन ये शिव, इसको तो मैंने अपनी कन्या दी है, इसका विवाह करवाया, वो भी ब्रह्मा जी के कहने पर, मेरी सुंदर सुशील कन्या सती का विवाह इसके साथ हुआ, लेकिन ये मुझे मान नहीं दे रहा, खड़ा न हुआ। दक्ष को बड़ा क्रोध आया और बड़े अपमानित शब्द बोलने लगा कि ये मर्कट लोचन क्या समझता है खुद को, और उस समय श्राप दिया कि भी अब आज के बाद कोई भी यज्ञ होगा तो शिव को उसमें हिस्सा नहीं मिलेगा, उसे उनको वहां कोई नहीं बुलाएगा, वहां श्राप दिया। फिर नंदी ने श्राप दिया, शिव जी तो चुपचाप बैठे हुए हैं और दक्ष तो वहां से चले गए। धीरे धीरे फिर समय निकला, यज्ञ होना बंद हो गया, सब लोग सोचने लगे यज्ञ करेंगे और शिव जी को नहीं बुलाया तो शिव जी क्रोधित हो जाएंगे, और बुलाया तो फिर दक्ष क्रोधित हो जाएंगे, तो लोगों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। दक्ष ने सोचा कोई यज्ञ न करे तो मैं यज्ञ करता हूं। बड़े वर्षों के बाद एक विशाल यज्ञ का दक्ष ने आयोजन किया, सभी देवी देवताएं उस यज्ञ में जाने लगे। सती ने देखा आकाश मार्ग से सभी देवी देवताएं जा रहे हैं, पता चला कि पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, बड़ी व्याकुल हुई, शिव जी के पास आई, कहा नाथ आप कहें तो बड़े वर्षों के बाद ये यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में जाएं। शिव जी ने कहा उन्होंने हमें आमंत्रित ही नहीं किया तो फिर हम यज्ञ में कैसे जाएं। सती कहती हैं पिता के घर में जाना हो तो उसमें आमंत्रण की क्या जरूर है, पिता के घर जाना हो, पति के घर जाना हो, गुरु के घर जाना हो, ठाकुर के घर जाना हो, तो उसमें न्योता नहीं चाहिए। सती आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन वो चाहते ही नहीं है कि हम वहां पे आए। फिर सती कहती है तो नाथ मुझे ये बताइए कि उस सभा में आप खड़े क्यों न हुए। दक्ष कहते हैं सती देवी मान देह को नहीं दिया जाता, पर देह के अंदर रहे हुए देव को दिया जाता है। संसारी लोग सत्ता और संपत्ति के अधीन होकर लोगों का सम्मान करते हैं, पर सज्जन लोग उसकी साधुता को देखकर मान और सम्मान देते हैं। और ये दक्ष तो अभिमानी है और उसको मान देकर उसके अभिमान का मैं पोषण करना नहीं चाहता, इसलिए मैं वहां पर नहीं गया। गृहस्यायैव न देह मानिने, तो वह अभिमानी पर दक्ष पे तो मैंने कृपा ही की है। सती ने बड़ी जिद की, पिता के घर यज्ञ है और मैं यहाँ पे बैठूँ, वहाँ सब मेरी बहनें सब लोग आए होंगे, बड़ी व्याकुलता है, आप आज्ञा दो तो मैं जाऊँ। शिव जी ने समझाया न जाओ तो अच्छा है, पर स्त्री हद, शिव जी आगड़ न चलू, ठीक है जेम तुम्हारी इच्छा पछ। बड़ी प्रसिद्ध है स्त्री हट, बाल हट और राज हट, ये तीन हट हैं बड़े बड़े। अब शिव जी नु न चाहू तो पची तुम्हारी मारी क्या बात करवानी, बरोबर जेम तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे जवू हो तो जाओ, आलियो नंदी ऊपर बेसो। शिव जी तो जानते थे कि ये इसका अंतिम जन्म है, नंदी पर बैठे, नंदी धर्म का स्वरूप है और धर्म पे सवार होकर सती पिता के यज्ञ में पहुंची। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, दक्ष त्रास काहू सादर मिली भले ही एक माता, सादर मिली भले ही माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, पिता
चल जब गई પિતાના ભવનમાં જ્યાં યજ્ઞ થઈ રહ્યો હતો ત્યાં સતી પહોંચ્યા ઘણા